आग लगने की घटनाओं के बाद सड़कों से हटाई गई 250 बसों को फिर से शुरू करेगी बस। टाटा मोटर्स से सुरक्षा का लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही सेवा में वापस लाने की बस स्टैंडर्ड चेकिंग ने कही थी बात। मुलुंड परिसर के पास 17 अवैध दुकानों पर चला टी वार्ड का बुलडोजर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था आदेश रास्ता चौड़ा करने को लेकर बीएमसी ने उठाया बड़ा कदम। जरा सा धक्का लगने पर कल्याण से टिटवाला स्टेशन के बीच चलती लोकल ट्रेन में वृद्ध व्यक्ति की हुई हत्या। हत्या के मामले में कल्याण रेलवे पुलिस ने सुनील भालेराव को किया गिरफ्तार। 33 वर्षीय उड़ीसा का रहने वाला युवक एक परिवर्तित ईसाई एक साल के भीतर अपनी मां और बड़े भाई की मौत से था निराश। मलाज के मदर मैरी ग्रैंटो चर्च में की तोड़फोड़, आरोपी हुआ गिरफ्तार। मेरे पिता को कड़ी सजा देना, यह सुसाइड नोट लिखकर मासूम ने दी जान, पिता पर लगाया छेड़खानी का बड़ा आरोप। मुंबई लोकल ट्रेन में गांजा फूंक रहे थे दो लोग, वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल, मुंबई पुलिस ले सकती है बड़ा एक्शन। भारत देश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे का अहम बयान, एजेंसी के जरिए सच बोलने से लोगों को रोका जा रहा है। मुंबई के सुमन नगर सिग्नल पे प्रियदर्शनी बिल्डिंग के आरसीएफ रेलवे पुल के नीचे एक बड़ा गार्डर ले जा रहे ट्रक फंसा, जिससे लोगों को झेलनी पड़ी ट्रैफिक जाम की मार। संदीप देशपांडे पर हुए हमले के बाद मनसे आक्रामक हमलावरों के घर में घुस के मारेंगे, जब हम जवाब देंगे तब मास्क लगाने की जरूरत नहीं होगी, अविनाश जाधव का बड़ा बयान। संदीप देशपांडे पर हुए हमले के बाद खोपकर का बड़ा बयान, बोले हमलावरों को छोड़ेंगे नहीं, चिंदी चोर गुंडे आदित्य ठाकरे और संजय राउत को गिरफ्तार करो। वालकेश्वर के प्राचीन झील वाणगंगा तक पहुंचना अब होगा आसान, कावले मच से वाणगंगा तक नई सड़क होगी तैयार। सोबो में दो पुल अंततः मानसून से पहले मोटर चालकों के लिए होगी शुरू, दक्षिण मुंबई में दो पुल जो कई वर्षों से बंद है इस साल मानसून के पहले शुरू कर दी जाएगी। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर बीती रात हुई बड़ी दुर्घटना, एक टेम्पो ड्राइवर और बस के बीच हुई बड़ी टक्कर, टेम्पो ड्राइवर की हुई मौत, बस ड्राइवर हुआ फरार। महाराष्ट्र कैंडर की आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला बनी डीजी एसएसबी, अवैध फोन ट्रैपिंग के लगे थे आरोप। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का प्याज के कीमतों पर बड़ा ऐलान, खुद सरकार किसानों को वित्त मदद मुहैया कराएगी, बजट सत्र में शिंदे सरकार का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र के बुलडाना में 12वीं बोर्ड के मैथ्स के पेपर हुए लीक, सोशल मीडिया पर फोटो हुआ वायरल। और भी फोन हो सकते हैं ट्रैप, राहुल गांधी के पेगासस ट्रैपिंग मामले पर बोलने के बाद आदित्य ठाकरे का आया बड़ा बयान, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के घर मन्नत में गैर कानूनी तरीके से घुसे दो लोग, बांद्रा पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर किया गिरफ्तार। आज मुंबई में चांदी के बढ़े दाम, चांदी 66,900 रुपए किलो। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जिंदगी में बढ़ रही है मुश्किलें, बीती रात अपनी मां से मिलने वर्सोवा बंगले पर पहुंचे लेकिन सगे भाई ने मिलने से रोका, पति और भाई को लेकर चल रहा है पारिवारिक विवाद।